हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि गाइस आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है किसके रिगार्डिंग है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक नॉलेजेबल वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप जहाँ पे वहाँ पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑन रोल और ऑफ रोल जो है ये शब्द आपको सुनने को मिला हो कि आपको जॉब तो मिल जाती है पर इस वक्त आप ऑफ रोल पे होंगे, पर आप कंटिन्यू वर्क करोगे तो आपको ऑन रोल पे लिया जाएगा। तो दोस्तों, एक्चुअली ऑन रोल और ऑफ रोल होता क्या है, वही हम डिफरेंस हम जानने वाले हैं आज के इस शॉर्ट्स में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डेली बाई बेसिस पे मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे बता दूं ऑन रोल होता क्या है। ऑन रोल वो है दोस्तों, आप कभी भी किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो डायरेक्ट अगर आप कंपनी के थ्रू वहां पर ज्वाइनिंग करते हैं तो आप वहां पर ऑन रोल जॉब प्रोसेस में होते हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कोई सैलरी देता है कहीं पे भी आप कुछ भी जॉब करते हो, अगर आपको कोई सैलरी प्रोवाइड करता है तो डायरेक्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा आपकी सैलरी में। और ऑफ रोल जॉब ये होता है कि दोस्तों, आप कहीं पे भी जॉब करते हैं तो कोई कॉन्ट्रैक्टर बेस होता है उसके अंडर आप काम करते हैं, ना कि किसी कंपनी में काम करते हैं। ये ऑन रोल और ऑफ रोल कैसे पहचाना जाता है आपको आज के शॉर्ट्स में बताने वाला हूँ। अगर आपको कभी जॉब के जाते हैं तो आपको एक ऑफर लेटर सेंड किया जाता है, ऑफर लेटर आपको ईमेल किया जाता है। जब भी आपको ऑफर लेटर आता है तो दोस्तों, आपको ऑफर लेटर में देख लेना है ऊपर की तरफ, अगर आपका कंपनी का नाम मेंशन है, कंपनी का नाम लिख के आ रहा है तो आप वहां पे ऑनलाइन ऑन रोल प्रोसेस में हो। अगर आप वहां पे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का या फिर कोई थर्ड पार्टी कंपनी का नाम आ रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके अंडर आप काम करते हैं, ना कि किसी कंपनी के थ्रू काम करते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप ऑफ रोल काम करते हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप अच्छा वर्क करते हैं 5 महीना 6 महीना तो आपका एक्सपीरियंस देख के आपको ऑन रोल प्रोसेस में लिया जा सकता है ऑफ रोल करते हुए। तो इस तरह से आई होप कि गाइस आप इजीली इस दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे कि दोस्तों ऑन रोल और ऑफ रोल एक्चुअली होता क्या है। ऑफ रोल में दोस्तों आपको बहुत कुछ नहीं मिलता है, ऑन रोल में आपको बहुत कुछ कंपनी के थ्रू बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स है, किसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और भी जानना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके पूछिए कि दोस्तों आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, मैं और भी वीडियोज़ बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।